दोयुन से कहता है कि अगर इसके जगह तुम होते तो क्या तुम जिस पर्सन से प्यार करते हो उसे एक ही महीने में भूल पाते। दोयुन कहता है तो फिर तुमने तैयुन को क्या कहा। यूनु कहता है मुझे रिप्लाई करने का मौका ही नहीं मिला। वो बस इतना कह के फिर चला गया। लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आ गई, अभी हम जिस तरह से रह रहे हैं उसे भी कंटिन्यू करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट इसकी वजह से हम दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो नहीं टूटेगी। दोयुन जोर से टेबल पे सोजू बोतल रखता है। हाँ, तुम्हारी ये सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं लग रही है, लेकिन इसके बाद क्या? क्या तुम दोनों अपनी पूरी लाइफ किसी को भी डेट नहीं करने वाले? किसी के साथ रिलेशनशिप में होना और ऐसे ही रहना, आखिर इसमें फर्क क्या रह गया? इस तरह के पर्सन के साथ इन्वॉल्व होना ही सबसे बड़ी गलती है। और वो यूनु की ओर देख के कहता है, क्या तुम्हें ये पता भी है कि तुम मुझे कितना ज्यादा सीरियसली परेशान कर रहे हो? तुम कितनी सारी चीजों के बारे में सोचते हो, लेकिन मेरे बारे में एक जरा सा भी नहीं सोच सकते? जब तुमने कहा था कि तुम कन्फेस करने चाह रहे हो, तो क्या तुमने ये सब कुछ प्लान किया था? अगर तुम चोई तैग्यूम के साथ नहीं जाने वाले तो फिर उसके अलावा मुझे डेट करो। यूनु कहता है, क्या? दोयुन कहता है, मैं लाइटली डेट करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, मुझे सीरियसली डेट करो। ठीक है, तुम ऐसी रिलेशनशिप नहीं चाहते ना कि हम समय के साथ एक दूसरे को जान ले? हमें धीरे धीरे एक दूसरे को जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। शायद तुम मुझे इसलिए डेट नहीं करे हो क्योंकि मैं तुमसे उम्र में छोटा हूँ। हाँ, यूनु उसका नाम लेता है कि दोयुन, मतलब कि दोयुन ये तुम क्या कह रहे हो? दोयुन कहता है, क्या तुम मुझे इस बार भी नहीं चुनोगे? यूनु पूछता है, तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? दोयुन कहता है, अब जाके तुम मुझसे ये पूछ रहे हो? मैं अभी बाहर स्मोक करने जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो? और उसके पास यूनु की दी हुई सिगारेट थी। फिर वो दोनों बाहर चले गए। दोयुन स्मोक करता हुआ कहता है, मैंने तुम्हें पिछले साल पहली बार देखा था। यूनु कहता है, क्या पिछले साल कहाँ पे? दोयुन कहता है, स्कूल पे तुमने मुझे इवन ड्रिंक भी दिया था, तुम्हें सच में याद नहीं है? यूनु कहता है, मैं तुम्हें ड्रिंक क्यों दूंगा? दोयुन कहता है, वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जिसने मुझे ड्रिंक दी थी वो तुम ही थे। यूनु कहता है, मुझे तो इसके बारे में जरा सा भी याद नहीं है। दोयुन कहता है, हाँ तुम्हारा नेचर ही ऐसा है कि तुम ऐसी बातें भूल जाते हो। जब मैं मेरा एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू देने आया था तब हम दोनों मिले थे। मेरा इंटरव्यू तो हो गया था और मैं मेरे फ्रेंड का इंतजार कर रहा था, तो फिर बिल्डिंग के सामने जो बेंच था वहाँ पे मैं बैठ के इंतजार कर रहा था। पिछली रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी और खराब मौसम की वजह से मेरी हालत भी खराब थी, और ज्यादा खराब सिचुएशन बनाने के लिए वहाँ पे एक बंदा खड़ा रह के स्मोकिंग कर रहा था। मैं बहुत थक गया था, एनर्ड फील कर रहा था, और मेरा फ्रेंड है कि वो तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन मैं वहाँ से गया नहीं और पेशेंटली उसका इंतजार किया, और फिर तुम वहाँ से गुजरे। यूनु पूछता है, क्या सच में मैं? दोयुन कहता है, हाँ वहाँ पे तुम आए थे, तुम और जो पर्सन स्मोक कर रहा था शायद तुम दोनों एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि वो तुम्हें बार बार होम कह के बुला रहा था और ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे तुम दोनों बहुत क्लोज हो। लेकिन मजेदार बात ये थी कि उस वक्त तुम्हारा फेस ऐसा बन गया था जैसे तुम अंदर से चिल्ला रहे हो कि आखिर ये बंदा है कौन। यूनु सोचता है, सच में मैं उस वक्त अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँगा। दोयुन कहता है, मुझे वो इतना ज्यादा मजेदार लगा कि मैं बिना पलके झपके तुम्हारे सामने देखता रहा, और उस वक्त पहली बार हम दोनों की नजरें मिली थी, और फिर उसके बाद तुम उस दूसरे पर्सन को सिगरेट वापस रखने के लिए कह रहे थे। यूनु को अब भी वो याद नहीं आ रहा था कि सच में मैंने ऐसा किया था। दोयुन कहता है, हाँ यूनु ने उस दूसरे पर्सन के हाथ से सिगरेट को नीचे फेंक दिया और उसे अपने पैर से बुझा दिया। तो अभी दोयुन सेम उसे ऐसा करके दिखाता है और कहता है, मतलब कि उस वक्त यूनु ने जो उस पर्सन से कहा था वो कहता है, अगर तुम स्मोक करना चाहते हो तो स्मोकिंग एरिया में जाओ। यूनु ब्लश हो गया कि क्या सच में ऐसा हुआ था। दोयुन उसके करीब आ गया और कहता है, तुम्हारा फेस तो सच में अभी बहुत ज्यादा रेड हो गया है, और वो उसके फेस पर क्रश करने लगा। यूनु उसे पूछता है, तो फिर मैंने तुम्हें ड्रिंक कब दिया था? दोयुन कहता है, जब वो लड़के चले गए उसके बाद तुम्हारे हाथ में जो था तुमने उसे मुझे दे दिया। तुम्हें सच में वो याद नहीं है? मेरा जब स्कूल में एडमिशन हो गया उसके बाद भी हम दोनों मिले थे, लेकिन देख के लग रहा था कि तुम्हें वो भी याद नहीं था। यूनु कहता है, तो फिर तुम्हें मुझे पहले से ही ये बता देना चाहिए था। और उसके पैर लड़खड़ाने लगे। तो दोयुन उसे संभालता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो? क्या तुम अभी घर जाना चाहते हो? आपके लिए एक सवाल, क्या यूनु अभी दोयुन को ये कहेगा कि हाँ मुझे मेरे घर ले चलो, या फिर वो ऐसा कहेगा कि नहीं मैं खुद ही चला जाऊंगा, या फिर ऑप्शन 3 वो ऐसा कहेगा कि मैं तैग्यूम को यहाँ पे बुला लेता हूँ वो मुझे घर ले जाएगा। अपना जवाब कमेंट में लिख देना और इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।